अगर दोनों इनपुट जीरो होंगे तो स्विच हमारा क्या होगा ओपन होगा एंड जो टोटल वोल्टेज है वो हमें कहाँ मिलेगी वाइपर मीन्स कि हमें क्या मिलेगा हाई डन नाउ ए इज़ इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन नाव इफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो तो ए विल बी ओपन एंड बी क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा बी अगर शॉर्ट हो जाएगा तो जो वोल्टेज का पाथ होगा वो इस स्विच के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा तो हमें आउटपुट वाइपर क्या मिलेगा ज़ीरो ज़ीरो ठीक है नाउ थर्ड केस चेक करते हैं फॉर थर्ड केस इफ ए इज इक्वल टू वन बीज इक्वल टू जीरो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप दिस वन या करंट फ्लो कैसे होगी ग्राउंड की तरफ तो वही पर हमें क्या मिलेगा लो वोल्टेज मीन जीरो डन नाउ इफ बोथ इनपुट्स आर वन अगर दोनों ही वन होंगे तो दोनों ही शॉर्ट होंगे और हमारी करंट क्या होगी ग्राउंड हो जाएगी तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा ये ट्रुथ टेबल हमारा किसका है दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर्गेट ठीक है दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर्गेट एंड वॉट इज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्गेट नॉर्गेट का एक्सप्रेशन क्या होगा ए प्लस बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सर्किट शोन बिलो द आउटपुट वाई इज इन दिस केस अगर हमने किसी भी डायोड के इनपुट पर जीरो अप्लाई किया तो रिस्पेक्टिव डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बायस बिकॉज दिस इज दिस इज एंड टर्मिनल एंड दिस इज पी टर्मिनल ठीक है मीन्स की ये जो डायोड ये जो है ये हमारा एंडगेट फॉर्म कर रहा है एंड ये बी एंडगेट तो हमारा ये सर्किट किसका होगा एंड दिस इज आवर इन्वर्टर ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए डॉट बी फॉर दिस एंड इसके साथ प्रोडक्ट होगा किसका सी का एंड ये सारा का सारा अप्लाई किस को होगा एट द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर तो ये इनवर्टर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए बी सी बात विच इज द राइट ऑप्शन दिस वन इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन फैमिली ऑफ फिफ्टी 17 टेन टू दावर माइनस गेट कंज्यूम पावर ऑफ ट्वेंटी फाइव माइक्रोव द प्रोपीशन डिले ऑफ द लॉजिक गेट एज ठीक है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पावर डिले प्रोडक्ट मीन्स की ये हमारा है पावर मीन्स की P इंटू प्रशन डिले इज इक्वल टू फिफ्टी 10 टेन टू दावर माइनस 17 ठीक है नाउ इफ अ लॉजिक गेट कंज्यूम पावर हमें पता है तो टीपी हमारी क्या हो जाएगी 50 इंटू टेन टू दावर माइनस सेवनटीन डिवाइडेड बाई पी नाउ वॉट इज द पी पी की वैल्यू ये गिवन है तो हम पुट कर देते हैं तो हमने अगर पी की वैल्यू को पुट किया तो इट विल बी 25 फाइव माइक्रोव है इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स वॉट ठीक है नाउ अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा टू माइनस सिक्स से माइनस सेवनटीन हमें क्या बचेगा माइनस इलेवन ठीक वॉट इज द आंसर टू इंटू टेन टू दावर माइनस इलेवन से विच ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस द नॉइज मार्जिन ऑफ दिसल गेट इज पॉइंट टू बोल्ट एंड एट बोल्ट तो ये हमें याद रखना है एंड राइट ऑप्शन इज पॉइंट फोर बोल्ट और डार्लिंगटन एमिटर फॉलोवर सर्किट इज समाइम्स यूज इन द आउटपुट स्टेज ऑफ अ टी टी एल गेट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स आई ओ एल आईओं की Output low current, reduce its IOH means output high current, increase its speed of operation, reduce power dissipation. The right answer is C, increase its speed of operation. Now, next question commercially available ECL gears use. Two guard lines and one negative supply in order to reduce power dissipation, increase fan out, reducing loading effect, eliminate the effect of power line glitches or biasing current. The right answer is option D. Eliminate the effect of power line glitches or biasing current. The output of the 7-4 series of TTL gates is taken from a BJT in totem pole and common collector configuration either totem pole or open collector configuration or common base configuration or common collector configuration so for this right option is either totem pole or open collector configuration so b is the right option in standard ttl the totem pole stays referred to the multi emitter input stays the phase splitter द आउटपुट बफर ओपन कलेक्टर आउटपुट स्टेज तो दिस इज अउटपुट बफर ठीक है क्या है दिस इज आउटपुट बफर ऑप्शन विच लॉजिक गेट इज़ हैविंग हाइएस्ट पैकिंग डेंसिटी पीमोस सीमोस ई सी एल एंड एनमोस तो राइट ऑप्शन इज एन मॉस The circuit shown in the figure is, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर एंड गेट तो हमें देखना है दिस इनपुट को इफ दिस इनपुट पर यहाँ अप्लाई कर रहा है वन एंड यहाँ अप्लाई कर रहे हैं जीरो ठीक है मीन्स कि अगर पॉजिटिव लॉजिक है तो दिस इज द सर्किट ऑफ पॉजिटिव लॉजिक ठीक बट अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए मीन्स कि अगर ये लिखते हैं कि एट हाई लॉजिक हमने अप्लाई किया जीरो बोल्ट को एंड एट लो लॉजिक हमने अप्लाई किया फाइव बोल्ट को ठीक है तो नाउ जीरो को अगर हम क्या कह रहे हैं हाई और फाइव बोल्ट को अगर हम कह रहे हैं लो ठीक है तो प्लीज रिमेंबर दिस इज द नेगेटिव लॉजिक एंड पॉजिटिव लॉजिक एंड इज इक्वल टू निगेटिव लॉजिक और सर्किट ठीक है तो डिपेंड्स ऑन द इनपुट वैल्यूज कि दिस इज पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक इन दिस केस इन दिस डायग्राम ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं है तो वी विल कंसिडर इट पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट सर्क शॉर्ट के टीटीएल और शॉर्ट की डायोड इज यूज फॉर फॉर्मिंग द गेट रजिस्टर क्लैपिंग ऑफ द बेस कलेक्टर जंक्शन की स्पीड हाई हो मीस की गेट बनाया उसकी स्पीड हाई हो वाइल डैश इज द फास्टेस्ट अनसे एक्सिलेंट नॉइज इम्यूनिटी तो सबसे पहले तो हमें चाहिए अनसे मीन की जो सेचुरेशन में ना जाए ठीक है तो टी टी एल तो हमारे सचुरेशन में जाता है तो दिस इज़ रॉन्ग आर टी एल भी जाता है दिस इज़ रॉन्ग नाउ बचता क्या है ई सी एल मीन्स की यहाँ पर तो क्या होगा ई सी एल नाव अब इन्होंने कहा एक्सीलेंट नॉइज़ इम्यूनिटी तो वो किसकी होती है एच टी एल की मीन्स की सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ई सी एल इज़ द फास्टेस्ट अनसेचुरेटेड लॉजिक गेट एंड एच टी एल हैज़ द एक्सीलेंट नॉइज़ इम्यूनिटी नाउ इन डिजिटल सर्किट शॉर्ट की ट्रांजिस्टर्स आर प्रेफर्ड ओवर नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स लो प्रोपेशन डिले हाईस्ट प्रोपोगेशन डिले लो पावर डेयर पावर डेट की ट्रांजिस्टर्स की स्पीड हाई होती है मीन्स की स्पीड हाई है ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस ना नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर विलो शोज अल सर्किट द वैल्यू ऑफ वी एच एंड वी एल आर मीन्स की हाई वोल्टेज एंड वी एल इज इक्वल टू लो वोल्टेज रिस्पेक्टिवली ठीक है तो हमें लो वोल्टेज का मिलेगा आउटपुट पे वेन दिस ट्रांजिस्टर विल बी ऑन और ये चला जाएगा सचुरेशन में अगर ये सचुरेशन में जाता है कलेक्टर के क्रॉस की की जब हमारा अप्रॉक्सिमेटली फाइव बोल्ट हो मीन की डी ऑप्शन इज करेक्ट वी एच इज इक्वल टू फाइव एंड वी एल इज इक्वल टू पॉइंट टूट फुल मेटल ऑक्साइड सेमी कंडेक्टर दिस इज रॉन्ग कैपेसिटिव मेटेलिक ऑक्साइड सेमी कंडेक्टर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर तो दिस इज करेक्ट आंसर मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी मोस इज ऑल्सो समाइम्स रेफर टू एस कैपेसिटिव मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर रोंग कैपेसिटिव सीमिट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर रोंग कॉम्प्लीमेंटरी सिमिट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन मीन्स की सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ना नेक्स्ट क्वेश्चन टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीमोस डिवाइसेस आर हाई नॉइज इम्यूनिटी लो स्टैटिक पावर कंजप्शन हाई रेजिस्टिविटी बोथ हाई नॉइज इम्यूनिटी एंड लो स्टैटिक पावर कंज्पन तो सीमोस की जो बेस्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज लो स्टैटिक पावर कंजप्शंस एंड हाई नॉइज़ इम्यूनिटी बिकॉज क्यों होती है ऐसा क्योंकि इन केस ऑफ सी मॉस हम दो ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं एक पी मॉस चैनल का और एक मॉस चैनल का दोनों में से एक ही एक बार में ऑन होता है दैट्स वाई इसका क्या होता है नॉइज़ इम्यूनिटी इसकी हाई होती है ठीक है एंड इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है ठीक है तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस

ये हमारा v इनपुट यहाँ पर आउटपुट v आउट ठीक है यहाँ क्या होगा ग्राउंड यहाँ क्या होगा vdd ठीक है नाउ पीएमओएस कब ऑन होगा व्हेन v इनपुट इज इक्वल टू 0 ये ऑन होगा एंड ये ऑफ होगा ठीक है ये ऑफ होगा मींस कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और जो vdd होगी वो हमें कहाँ मिलेगी v आउटपुट पे मींस कि जीरो के केस में हमें क्या मिल रहा है हाई नाउ जब हम वी इनपुट को क्या अप्लाई करेंगे वन अगर हम इक्वल टू वन उस केस में क्या होगा दिस विल बी ऑफ एंड दिस विल बी ऑन अगर ये ऑन होगा ये ऑफ होगा अगर ये ऑफ हो गया तो दिस बिहेव लाइक अ ओपन स्विच मीन कि ये हमारा क्या हो जाएगा कनेक्शन यहाँ ब्रेक हो जाएगा जब यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा ये पाथ बनेगा मींस कि हमें मिलेगा लो मींस कि व्हेन इनपुट इज़ वन आउटपुट पर हमें क्या मिला है ज़ीरो मीन्स की जस्ट अपोजिट तो ये कैसे बिहेव कर रहा है इट बिहेव लाइक अ इन्वर्टर मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट सेमी आर मेड ऑफ जर्मीनियम एंड सिलीकॉन दिस इज द राइट ऑप्शन जर्मीनियम एंड सिलिकॉन

राइट ऑप्शन डेट्स वाई सीमोस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं फास्टर होते हैं देन टीटीएल क्या याद रखना है कि सी मॉस इज फास्टर देन टी टी एल ठीक है now next question the speed of dash circuits is limited by the tendency of com common emitter circuits to go into the saturation so in this case right option is ttl because बिकॉज इन केस ऑफ डी टी एल हम मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं जब हमारे मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर्स होते हैं तो सचुरेशन में माइनरिटी का इंजेक्शन होता है माइनॉर्टी कैरियर्स का वो कहाँ होता है कलेक्टर रीजन में ठीक है इसकी वजह से क्या होता है इसकी स्पीड क्या हो जाती है स्लो हो जाती है ठीक है तो राइट आंसर इज़ टी टी एल डी टी एल इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक बिकॉज द लॉजिक गेटिंग फंक्शंस एंड द एम्प्लीफाइंगर जंक्शन ट्रांजिस्टर बिकॉज हम इनपुट पर एंड एम्प्लीफाइंग बोहोत साइड्स में बीजेटी यूज करते हैं बी इज द राइट ऑप्शन नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज आई सी फैमिली जनरली यूज इन लैव 74 सीरीज आई और ये किसकी होती हैं स्टैंडर्ड टी की तो विच इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ टी सर्किट एक्ट एज अ करंट सोर्स इन द लो स्टेट हाई स्टेट हाई इम्पीडेंस स्टेट एंड नन ऑफ दिस तो प्लीज रिमेंबर करंट सोर्स की तरह वो वर्क करेगा इन हाई स्टेट और वो लो स्टेट में वर्क करेगा एज अ करेंट सिंक लो स्टेट करेंट सिंक हाई स्टेट करेंट सोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेज ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू इंटरजिंग सेमी कंडक्टर इज नोन एज डॉपिंग मेटेलाइजेशन ईचिंग मास्किंग ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू इंटरजिंग सेमी कंडक्टर इज नोन एज डॉपिंग डॉपिंग इज द राइट ऑप्शन मेटेलाइजेशन में हम मेटेलाइज करते हैं ईचिंग एंड मास्किंग में हम जब पी सी भी ड्रॉ करते हैं उस केस में हमें जरूरत पड़ती है सम्पोर्शन को हमें मास्क uh, करना होता है तब तो हम वो करते हैं तो राइट आंसर फॉर दिस इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीवेशन टी टी एल एंड सी मॉस इन रेफरेंस टू लॉजिक फैमिलीज तो अगर हम देखें तो ट्रिपल ट्रांजिस्टर लॉजिक दिस इज रॉन्ग अगर यहाँ देखें ट्राई स्टेट ट्रांजिस्टर लॉजिक तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज टी दिस टी मीन्स ट्रांजिस्टर दिस टी मीन्स ट्रांजिस्टर दिस मीन्स लॉजिक यहाँ पर क्या है सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ओ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है सी ओ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एम फॉर मेटल एंड एस फॉर सेमी कंडक्टर तो सेकेंड uh, भी रॉन्ग है थर्ड के केस में ट्रांजिस्टेड ट्रांजिस्टल लॉजिक इज करेक्ट बट चिप मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर इज रोंग तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट ट्राई स्टेट भी हो सकता है और है ना ठीक है अदरवाइज हमें डीटीएल से मतलब है दैट इज ट्रांजिस्टेड ट्रांजिस्टल लॉजिक एंड सी ओ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एम फॉर मेटल ऑक्साइड ठीक ठीक है सिलिकॉन है दिस इज द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली यूजिंग जंक्शन ट्रांजिस्टर इज़ एज लॉजिक फैमिली बाईपोलर मीन्स की दोनों डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो सकती है तो दिस इज बाईपोलर लॉजिक फैमिली यहाँ पे क्या आंसर आएगा बाईपोलर ठीक है नाउ अ यूनिपोलर लॉजिक फैमिली यूजेज ओनली डैश डिवाइसेस तो यूनिपोलर मींस की जिसमें वो डिवाइस यूज करेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है मींस की ड्यू टू वन कैरियर आइदर कॉज ऑफ होल और आइदर कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो यहां पर क्या होगा मॉस डिवाइसेस ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैन इन सिग्निफाइज द डैश ऑफ अ गेट तो ये क्या शो करता है फैन इनका मीन्स है नंबर ऑफ इनपुट्स तो यहां पे आंसर आएगा नंबर ऑफ इनपुट्स ठीक है नेक्स्ट द नंबर ऑफ सिमिलर गेट्स विच अ गेट कैन ड्राइव इज नोन एज गेट जिसको ड्राइव कर सके मीन्स की दैट इज कॉल फैन आउट ठीक है Thank you so much. Still, you have any doubt, please write down in comment section. I will try to upload more questions of detail and CMOS. Thank you so much.